नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर न्यू यूट्यूब चैनल दिलविज। देयर इज़ अ वन कॉमन थिंग बिटवीन यू एंड मी दैट यू ऑल वांट टू बी इन डिफेंस और वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस इस्टीम इंस्टीट्यूशन ऑफ आर नेशन दैट इज इंडियन आर्मी। एंड बीइंग फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड एंड द वाइफ ऑफ डिफेंस ऑफिसर, मैं जानती हूँ इट्स जस्ट नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ यू कैन ज्वाइन दिस इंडियन आर्मी और द डिफेंस फोर्सेस विदाउट एनी रिटन एग्ज़ाम, ना तो NDA और ना ही CDS। आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर SSB। सो लेट स्टार्ट। एक्चुअली देर आर 3 टाइप ऑफ एंट्रीज बाई विच यू कैन परस्यू योर ड्रीम। फर्स्ट एंट्री इज 10+2 एंड द सेकेंड एंट्री इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेजुएशन। और उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है टेक्निकल एंट्री और दूसरी है नॉन टेक्निकल एंट्री। और जो लास्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ फ्रॉम हाउ यू कैन ज्वाइन डिफेंस जस्ट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे आप 10+2 के बाद डायरेक्ट SSB के लिए जा सकते हैं, कैसे आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट SSB के लिए जा सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो इसमें जो सबसे पहली एंट्री है दैट इज़ 10+2 एंट्री। और 10+2 के बाद सिर्फ एक ही ऐसी एंट्री है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट SSB देकर डिफेंस फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस एंट्री का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड इट्स अ परमानेंट कमीशन। इसमें आपको परमानेंट कमीशन मिलता है और इसमें जो एज है वो 16.5 से लेकर 19.5 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका दैट इज़ क्वालिफिकेशन। आपका 10+2 में PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड दैट इज़ ऑल्सो विद द एग्रीगेट ऑफ 70%। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो साल में 2 बार आता है, मई या जून या फिर अक्टूबर या नवंबर के आसपास। तो अभी जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है कि TES 10+2 एंट्री की जो अभी वैकेंसीज हैं वो निकली हुई हैं और उनके फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है दैट इज टिल 9 सितंबर 2020। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री के बारे में देखते हैं, दैट इज़ कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप कैसे डायरेक्ट SSB के लिए जा सकते हैं। तो इसमें जो पहली एंट्री है दैट इज़ TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये एक परमानेंट कमीशन है और इसमें आपके ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट होनी चाहिए, और ये जो एंट्री है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। या तो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो या तो फिर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर अपना परस्यू कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने से पहले वहाँ पर सबमिट करवाना होगा। और इसकी जो एज लिमिट है वो 20-27 ईयर्स तक है। पर इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ना तो सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चे, इसके अलावा जिन्होंने MSc कंप्यूटर साइंस कर रखी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जब आपका निकलता है तो इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने MSc कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को भी एलिजिबल किया होता है इस टेक्निकल एंट्री को भरने के लिए। और ये जो इसका नोटिफिकेशन है वो साल में 2 बार आता है, या तो मार्च अप्रैल के आसपास या तो फिर सितंबर या अक्टूबर के आसपास। और अभी जो इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है कि TGC 132 की नोटिफिकेशन अभी आ चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 26 अगस्त 2020। तो ये तो हो गई फर्स्ट टेक्निकल एंट्री अंडर ग्रेजुएशन कैटेगरी। और अभी जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज़ SSC टेक, और ये मेंस और वुमेंस दोनों के लिए है और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसमें जो एज लिमिट है वो 20-27 ईयर्स तक होता है, और जो इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री आपकी रहती है दैट इज़ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी साल में 2 बार आता है। इसके अलावा जो अभी लास्ट एंट्री टेक्निकल में रह गई है दैट इज़ UES यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम।
ये एक परमानेंट कमीशन है और इसका जो एज लिमिट है दैट इज़ बिटवीन 18 to 24 ईयर्स। और इसका जो क्वालिफिकेशन है, आप ज़रा ध्यान से सुनिए, इसका जो क्वालिफिकेशन है इसमें प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट यानी कि जो थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो इस के लिए एलिजिबल होते हैं। रिस्पेक्टिव एरिया वाइज आर्मी हेडक्वार्टर्स से लोग आते हैं और वो आपका एक प्रिलिमिनरी बेसिस पे आपका एक एग्ज़ाम लेते हैं और उसके बेसिस पे वो आपको फाइनल ईयर में एसएसबी के लिए रेकमेंड करते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो साल में एक बार आता है, ध्यान से सुनिए प्लीज़, इसका जो नोटिफिकेशन है वो साल में सिर्फ एक बार आता है। तो अभी तक जितनी भी एंट्रीज मैंने आपको बताई वो सारी ग्रेजुएशन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए थी। एंड द नेक्स्ट ग्रेजुएशन लेवल एंट्रीज फॉर डायरेक्ट एसएसबी इज फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जिनके पास इंजीनियरिंग नहीं है। ये दो, इसमें दो तरह की एंट्रीज हैं एंड बोथ द एंट्रीज आर इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड इट इज़ फॉर बोथ मेन्स एंड वुमेन। तो इसमें जो पहली एंट्री है दैट इज़ एनसीसी एंट्री, इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 19 से 25 ईयर्स तक है और आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए और आपके पास एनसीसी होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन के टाइम में और उसका सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम बी ग्रेड, या तो आपके पास ए ग्रेड हो या बी ग्रेड हो सी सर्टिफिकेट में। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो साल में दो बार आती है, जून या जुलाई के आसपास या फिर दिसंबर या जनवरी के आसपास। और नेक्स्ट जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है मेंस और वुमेन्स के लिए, उस एंट्री का नाम है जैग, JAG, दैट इज़ जज एडवोकेट जर्नल। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने LLB विद 55% मार्क्स क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ दे आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल। अब ये बार काउंसिल क्या है, ये एक तरह के स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लीगल एजुकेशन और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है और इसका जो क्वालिफिकेशन एज है वो 21 से 27 ईयर्स तक है और इसका नोटिफिकेशन भी साल में दो बार आता है, दैट इज़ जुलाई और अगस्त के आसपास या फिर जनवरी या फेब के आसपास। तो ये दोनों ही एंट्रियाँ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए हैं फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो अब जो लास्ट सेक्शन रह गया है दैट इज़ हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट एसएसबी के लिए, तो इसमें एक ही तरह की एंट्री है, आर्मी एजुकेशन कॉप AEC एंट्री। इसमें जो एज लिमिट रहती है दैट इज़ 23 to 27 ईयर और इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है दैट इज़ MA और MSc इन फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन इन नोटिफाइड स्ट्रीम्स। और कई बार इसमें ऐसा भी रहता है कि जिन्होंने MA चाइनीज़ लैंग्वेज में कर रखा है वो लोग भी इसमें एलिजिबल होते हैं, तो वो आप अपने नोटिफिकेशन के टाइम सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो साल में दो बार आता है, मार्च या अप्रैल के आसपास या फिर सितंबर या अक्टूबर के आसपास। तो इस तरह से आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन देर इज़ ओनली वन एंट्री, दैट इज़ AEC एंट्री। सो आई हैव कम्प्लीटेड ऑल द एंट्रीज बाय विच यू कैन डायरेक्टली गो फॉर SSB एंड ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बार लाइफ में SSB के लिए ज़रूर जाएं, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। यू विल नेवर रिग्रेट दैट यू हैव नॉट ट्राइड फॉर सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड आई होप मैं इसी तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और किसी भी तरह के डाउट के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।